अस्सलाम वालेकुम। तो जी वेलकम बैक टू माय चैनल। तो 13वां रोज़े की शुरुआत करते हैं। तो पहले मैं दिखाती हूँ सेहरी का। तो सेहरी में देखो, मैं या तो सोख किए हुए नट्स लेती हूँ या फिर कोई भी फ्रूट्स ले लेती हूँ, जैसे कि एप्पल, बनाना, जो भी आपको अच्छा लगे वो फ्रूट्स ले सकते हैं। इससे ये होगा कि आपको पूरा दिन एनर्जी भरपूर मिलेगी। छोटे मील होते हैं लेकिन कमाल धमाल बढ़िया करते हैं, वीकनेस नहीं आने देते। तो ये फैसल के बच्चों के और मेरे हैं। तो 2 इंजीर जो है मैं ले आऊँगी, 2 फैसल बच्चे नहीं खाते। इंजीर वगैरह उनको अच्छा नहीं लगता इसका टेस्ट। अगर बच्चे नहीं खाए तो उसके बदले आप 2 डेट्स दे दो, ठीक है। तो जयान के माशाल्लाह रोज़े पूरे आ रहे हैं, मेरा बेटा है बड़ा। और इस तरीके से आप खाएंगे जैसे मैं खाती हूँ, कभी भी वेट गेन नहीं होगा। फिर मेरे पास कमेंट आया था कि आप एप्पल साइडर विनेगर कौन सा लेते हो, एज इट इज़ कंपनी है, क्योंकि मैंने ऑनलाइन मंगाया था फ्लिपकार्ट से। तो इस तरीके का आप भी मंगा सकते हो, फ्लिपकार्ट पे सर्च करोगे एज इट इज़ तो ये वाला निकल आएगा। और ये बहुत ज़्यादा बढ़िया एप्पल साइडर विनेगर है, ठीक है। तो इसको बनाना कैसा है, बस मैं थोड़ा सा वार्म वाटर लेती हूँ, लेकिन कुछ ज़्यादा ही वार्म हो गया। आप क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा नॉर्मल वाटर डालूंगी। कभी कभी होता है एकदम से तेज़ हो जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा गर्म ही नहीं होता। मेरे साथ यही मसला रहता है। तो फिर भी इसमें 1 स्पून में एप्पल साइडर विनेगर डाल दूँगी। आप चाहें तो 2 चम्मच भी ले सकते हैं, बट मुझे खट्टा ज़्यादा सूट नहीं करता। मतलब रेगुलर लेती रहती थी मैं तो सही रहता था गला, एकदम कभी कभी लियो ना तो थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है। तो स्ट्रॉ से ही पीना है, और कहते हैं कि अगर हम इसको ऐसे पीते हैं तो दांत खराब होने के चांसेस हो आप ना जाते वीडियो को हैं। लाइक नहीं करते, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी कर दो। जो लोग वेट लूज़ करना चाहते हैं उनके पास मेरी वीडियोस को पहुंचा दो। प्लीज़ छोटी सी दरख्वास्त है, अभी के अभी लाइक करो प्लीज़ छोटी सी। उसके बाद जी मैंने बनाया था अल्फी गोश्त, तो मैं यही लेने वाली हूँ। और सबसे अच्छी बात पता है, मैं घी मसाले ऑयल वगैरह बहुत ज़्यादा कम डाल रही हूँ, मतलब सबके लिए बना रही हूँ, कम घी में कम मसालों में। इस तरीके से आप भी बना सकते हो और सब चीज़ें खा सकते हो। ऐसा नहीं आप मटन वगैरह नहीं खा सकते या फिर गोश्त वगैरह खा सकते हो। 1 बोटी ले लो, उससे कुछ नहीं होगा। ये मटन है तो मैंने 1 बोटी ले ली थी, ठीक है। और साथ में 1 रोटी, अगर आप कर्ड या दही वगैरह खा सको सहरी में तो प्लीज़ खाना। उससे ये होगा कि आपकी जो बॉडी हीट होती है ना, इसे रमज़ानों में हम लोग पानी नहीं पीते पूरा दिन, प्यास से मतलब ऐसे ही रहते हैं पानी के बगैर, तो आपकी बॉडी ना हीट करने लगती है, तो उससे हीट नहीं करेगी। या फिर चिया सीड्स वाटर भी ले सकते हैं आप एप्पल साइडर विनेगर के बदले। और फिर मैंने बनाई थी यहाँ पर कॉफ़ी, तो कॉफ़ी का मन था तो कॉफ़ी ले ली मैंने आज। पूरा मग भरा हुआ था तो इतनी पी ली, मुझे याद आया है मुझे तो वीडियो भी बनानी थी। रयान रोज़े पूरे आ रहे हैं और सिपारे कुरान कितने हो गए? सिपारे आप रोजे पूरे हैं? नहीं, नहीं क्यों? कैसे रख रहे हो? 1 दिन बीच करके तभी ठीक है, अभी दवाई खाई थी। और सिपारे कितने हो गए कुरान? अच्छा जल्दी जल्दी से है ना कुरान पूरा करो, ठीक है। हम सब तो मैं अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज रोज़ा है 13वां, और आपको 13वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। और देखो जी, उम्मीद करती हूँ आप भी अच्छे से अपना वेट लॉस जर्नी कर रहे होंगे रमज़ानों में भी, और किसी का वेट गेन नहीं हुआ होगा, किसी ने फ्राई चीज़ें नहीं खाई होंगी। और अगर खाई हैं जिसका वेट गेन हुआ है प्लीज़ मुझे कॉमेंट में बताना। और जी देखो, कुछ फ़ायदा नहीं है फ्राई चीज़ें खाने का या जंक फूड खाने का, ठीक है। उससे क्या थोड़ी देर का टेस्ट होता है, मैं बार बार कहती हूँ, फिर प्रॉब्लम आपको ही होनी है बाद में, पूरे दिन की, पूरे महीनों की, जितने भी महीनों आपने वेट लॉस जर्नी करनी है, या 1 महीने 2 महीने या 2 दिन ही चल रही है पूरे, मतलब कुछ सोचना कि आपकी जो मेहनत है वो ख़राब जाएगी। इससे बेहतर है थोड़ी देर का जो हॉर्मोन्स होते हैं ना क्रेविंग वाला, उसको कंट्रोल कर लोगे तो आप चुटकियों में वेट लॉस कर सकते हो मेरी तरह। बाकी चलो अभी मैं देखूंगी इफ्तार टाइम पे क्या लेती हूँ, उसके बाद जाना है ननकिया, उनके यहाँ आज ख़त्म है उनके बेटे का, तो बस वहाँ जाऊँगी, वहाँ जो भी होगा आपके साथ शेयर करूंगी। चलो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में, तब तक लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय बाय। तो यहाँ पर आपने देखा होगा मैं फ्राई चीज़ें नहीं कर रही, बहुत कम मैंने करा है, मतलब मेरे ख्याल से 2 या 3 बार, ठीक है, आलू के पकोड़े वगैरह। बट यहाँ पर मैं कोशिश करती हूँ हेल्दी से हेल्दी ही चीज़ें बनाऊँ। और देखो बच्चों ने ज़िद कर रहे थे कि सैंडविच बनाने की, और थोड़ी सी मेयोनीज डाल दी यार इसमें, मैंने थोड़ी सी डाली, ज़्यादा नहीं है ये। तो मैंने कि अगर शामी कबाब थे, नीचे ग्रीन चटनी लगाई, प्याज वगैरह, और ऊपर से थोड़ी सी मोज़रेला चीज़। कभी कभी ये चीज़ें चल जाती हैं, बट अगर आप हफ्ते में 2 बार ले रहे हो, 3 बार ले रहे हो, 4 बार ले रहे हो, या 2 बार भी ले रहे हो तो ज़्यादा ठीक नहीं है, ठीक है। हफ्ते में 1 बार ले लो, दे दो बच्चों का भी मन है यार, बाहर से तो अच्छा है ना ये खाना। और मैंने
मैंने देखो अपने पे और फैसल पे नहीं लगाया है, खाली में मतलब कबाब चटनी प्याज वगैरह ऐसे डाल के इसको हम मतलब सैंडविच मेकर में कर लूँगी। और देखो इस तरीके से मैं अपनी प्लेट तैयार करती हूँ। आज फ्रूट चाट नहीं बनाई, मैंने कहा फिर ओवर ईटिंग हो जाती है, ज़्यादा कैलोरीज चली जाती इसलिए। ठीक है, मैंने यहाँ पर कोल्ड कॉफ़ी बना रखी थी और इसमें शुगर वगैरह नहीं है, सिर्फ मैंने डेट्स डाल के आमंड्स डाल के और कॉफ़ी को मिल्क में मिक्सर जार में ग्राइंड कर दिया था। और ये रहे सैंडविच, इसमें से मैं हाफ लेने वाली हूँ, हाफ फैसल को दूँगी। और सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, खजूर लेती हूँ और इसके बाद मैं 2 से 3 घूंट पानी लेती हूँ, जो सुन्नत तरीका होता है। फिर चलो डिनर में बता देती हूँ। यार मुझे रमज़ानों में मुझे गिनती करके बताना मैंने कितनी सारी बार बिरयानी खा ली डिनर में। और मतलब पोर्शन कंट्रोल करके ही खाती हूँ, 10 से 12 चमचे ही खाती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं लेती मैं। और आप भी इस तरीके से खा सकते हो, ठीक है, 12 चमचे से ज़्यादा मत लेना, मतलब खाने वाला स्पून जो होता है। और साथ में एक कबाब ले लिया, एक बचा हुआ था बुने बचा दिया, तो मैंने सोचा क्या ही इसको वेस्ट करो, बिरयानी के साथ टेस्टी लगता है, खाओ मज़े करो। तो ये रहा मेरा आज का डिनर। उसके बाद मैंने बनाई थी चाय, जो कि चाहिए होती है सबको रोज़े के बाद, किस किस को रोज़े के बाद और सेहरी से पहले चाय पीना पसंद है मुझे कमेंट में बताना। तो जी वेलकम बैक, और रोज़ा मैंने खोल लिया, चाय भी पी ली, उसके बाद मैंने डिनर भी कर लिया। तो हमारा प्रोग्राम था नन के घर जाने का, तो चांदनी चौक की तरफ है वहाँ पर उसके पास में। तो बस यही सोच रही हूँ कि होली जलेगी और बच्चों को ले जाना मुनासिब नहीं है, हम काफ़ी दूर रहते हैं वहाँ से, तो हम लोग जा नहीं पाएंगे। चलो कोई बात नहीं। और पता है आज मेरे इन कपड़ों का 3रा दिन है, मैंने कपड़े चेंज नहीं करे यार, मन ही नहीं करा चेंज करने का। मतलब 3 दिन से आप इसी कपड़ों में मेरे को देख रहे होंगे वीडियोज़ में, बस ये है कि मन नहीं करता इस टाइम क्या कपड़े चेंज करो बस। चलो अब नाइट ड्रिंक लूँगी, नाइट ड्रिंक में वही वेट लॉस चूरन ले लूँगी, उसके बाद वीडियो को एंड कर देते हैं। बस आपसे छोटी सी दरख्वास्त है, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो, और शेयर भी कर देना जिन लोगों को मतलब वेट लूज़ करना है और थोड़ी मोटिवेशन वीडियोज़ बनाती हूँ उन लोगों के लिए कि भाई हम कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ तो भाई वो भी कर सकते हैं वेट लूज़, कोई इतना भारी काम नहीं है। ठीक है, वेट लूज़ करना बस इसको मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा भारी काम है। चलो आज डे 13 और 13वां रोज़ा मतलब कम्प्लीट हुआ, और कल मिलते हैं 14वें रोज़े पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, चेक के, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हेल्दी खाओ, हेल्दी रहो और हेल्दी रहो। बाय बाय।